हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के फीचर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो 11th 12th के क्वेश्चंस में हो या फिर आपको बीसीए बीटेक या इवन एमसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में जो जावा पढ़ाया जाता है उसमें हो। बेसिकली मेरी ट्यूटोरियल्स जो है वो कंप्लीटली बेस्ड है जो बीसीए और बीटेक का सिलेबस होता है, इवन एमसीए का भी जो जावा का सिलेबस होता है कोर जावा का उस पर है। कोर जावा को खत्म करने के बाद हम एडवांस जावा पे जाएंगे। तो जो भी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकेडमिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बीसीए एमसीए इवन 11th 12th में जो जावा के स्टूडेंट है उनके लिए भी होता है ये। तो बेसिकली वो आईएससी बोर्ड के होते हैं जो 11th और 12th के स्टूडेंट होते हैं। तो हम जो है ये आज जानेंगे कि जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहला जो आता है वो आता है कि सब ये जो होता है काफी सिंपल होता है। मतलब जावा जो होता है काफी सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ कहने के लिए। एग्जैक्टली ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं इसमें, लेकिन वही है कि अगर आप कोई चीज़ हर रोज कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाती है। तो आपको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो ये कहता है इसका डेफिनेशन कि जावा इज ईजी टू लर्न, यानी ये इजी टू लर्न है, समझने में आसान है और इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। आई डोंट नो, इतना सिंपल भी नहीं है जितना ये बता रहा है, बट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि हाँ ये सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, द कंफ्यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस। हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही बोलता है। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आपने देखा होगा बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कंफ्यूजिंग है, जैसे पॉइंटर्स का कंसेप्ट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट होता है आपने पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजन में डालते हैं स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि नहीं कोई कर पाता, लेकिन कंफ्यूजन में हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो वही चीज ये कह रहा है कि बहुत सारे कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट्स या कंफ्यूजन वाले जो टॉपिक्स थे जो सी प्लस प्लस में थे, उसने जावा ने या तो उसको हटा दिया है या तो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई अलग तरीका निकाला है जिससे वो काफी आसान बन गए हैं, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर्स एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर नॉट देयर इन जावा बट वर इम्प्लीमेंटेड इम्पॉर्टेंट ऑन क्या सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस में क्या था इंपॉर्टेंट है जबकि जावा में ये है ही नहीं। तो पहला हो गया ये सिंपल होता है। दूसरा है जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है तो बहुत ही आसान कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए, अब आप थोड़े देर के लिए जो है पूरी पूरी यूनिवर्स को देखिए, एक मिनट के लिए इन यूनिवर्स को ध्यान में लाइए, और यूनिवर्स में हमारा छोटा सा एक जो है गैलेक्सी है जिसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे MILKY मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर समझना है तो ध्यान समझिए कि हमारे यूनिवर्स एक बहुत बड़ा एंटिटी है और उस एक बड़े बहुत बड़े एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला छोटा सा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया क्लास, यानी कि जो बहुत बड़ी एंटिटी है, और ये हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, जो इस बड़े क्लास का एक छोटा सा क्या है, रूप है, ठीक है। वैसे ही अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे बड़ा एंटिटी मान लें तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिस प्लैनेट में हमारा अर्थ भी आता है, तो उस केस में अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को जब हम क्या मान रहे हैं, एक सबसे बड़ा मतलब एंटिटी मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, उस केस में ये हो जाएगा क्लास और अर्थ उसका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब अगर हम अर्थ को एक बहुत बड़ा एंटिटी मान लें, सबसे बड़ा एंटिटी, तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्लास, और अर्थ के अंदर अगर हम इंडिया ले लें अपना, तो इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन, यानी अर्थ में एक एरिया है जिसका रिप्रेजेंटेशन, उसका नाम जो है वो इंडिया है, तो ये क्या कहला जाएगा, ऑब्जेक्ट कहला जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें कि इंडिया को अगर हम एक क्लास कहें, तो इंडिया के अंदर जो न्यू दिल्ली है वो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी एंटिटी, ठीक है, वो कहलाती है क्लास, और उस बहुत बड़ी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला छोटा एंटिटी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, और उस ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास की सारी फीचर्स होती हैं। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट का जितना भी चक्कर है ना, चाहे वो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा हो चाहे आप जावा में पढ़ेंगे, तो यही जो क्लास ऑब्जेक्ट है इसी के वजह से जो हमारा पूरा का पूरा ये बनता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है, ये बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि पूरी की पूरी तरह से ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इन जावा एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। जावा कैन बी इजिली एक्सटेंडेड एज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब इसके प्रोग्राम को आपने लिख दिया और फिर अगर आगे आपको प्रोग्राम में और बहुत सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना है तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं।
ऊप्स में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है क्लास, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये एक एक टॉपिक है, धीरे 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 जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारे भी हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड फीचर की तरफ, और थर्ड फीचर जो है वो ये कहता है ये बहुत ही रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए रोबस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसका यूज करके, जावा का यूज करके, वो सॉफ्टवेयर्स जो होंगे वो काफी रोबस्ट होंगे, मतलब इसमें एरर्स आने की संभावना बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि जावा के पास जो होता है एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है, उस यूनिक फीचर को हम लोग कहते हैं कि ये खुद से एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करता है। एक्सेप्शन मतलब वैसे एरर्स जिसके बारे में आपने सोचा नहीं और अचानक वो आ जाता है आपके प्रोग्राम को रन करने के दरमियान, और आपका प्रोग्राम अचानक से कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो फीचर जो है वो जावा के अंदर है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावा मेक्स एन एफर्ट टू एलिमिनेट एरर प्रोन कोड्स बाय एम्फेसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइल टाइम एरर्स चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग। मतलब ये कंपाइल टाइम एरर चेकिंग भी करता है और रन टाइम जो है वो एरर चेकिंग भी करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट। मतलब जावा जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को का एक प्रोविजन देता है जिसकी वजह से आप रन टाइम में भी अगर कोई एरर आए तो उसको संभाल सकते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम कोलैप्स नहीं हो, प्रोग्राम अचानक से बंद नहीं हो, उस एरर को शो कर दे कि ये एरर आया और आगे अपना क्या करे, कंटिन्यू करते चला जाए, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, तो अभी आप ये मत समझो, नेक्स्ट वीडियोस में यानी जब भी ये टॉपिक है हम आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बार कहा जाता है जावा के बारे में। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, देखिए है क्या कि जावा के का यूज करके जो आप कोड लिखेंगे, ठीक है, वो कोड आप जब लिख लेंगे उसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे वो मैक ओएस हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, चाहे वो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको आराम से रन कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं कहेगा कि नहीं आपने कोड जो है वो विंडोज पे लिखा है तो वो मैक पर रन नहीं करेगा, मैक पर लिखा है तो लिनक्स पे रन नहीं करेगा। बेसिकली एंड्रॉइड का प्रोग्रामिंग, जो एंड्रॉइड की प्रोग्रामिंग आप जो है नॉर्मल एंड्रॉइड में के लिए लिखेगा वो आपके एप्पल के आईफोन में काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जावा के साथ ऐसा कोई बात नहीं है, जावा का लिखा हुआ कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली वर्क करता है। इसका रीजन क्या है, क्या है इसका रीजन, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। आपका ये रहा जावा का कोड, ठीक है, ये जो जावा का कोड है जब आप इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद जो है वो बनाता है बाइट कोड, यानी कि एक नया फाइल बनता है, एक नया मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोडिंग बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड, और जावा ये खुद से बनाता है। अब इस बाइट कोड को या तो आप मैक पे लेके चले जाइए, ठीक है, या तो आप विंडोज पे लेके चले जाइए, या तो आप किसी भी लिनक्स पे लेके चले जाइए, वो क्या करेगा, रन करेगा। सिर्फ इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या, जेडीके। अब वो जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट, वो चाहे उसको मैक पे मिल जाए, चाहे वो उसको विंडोज पे मिल जाए, चाहे वो उसको लिनक्स पे मिल जाए, कहीं मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली ध्यान देने वाली बात है, जावा के प्रोग्राम को जब भी आप कंपाइल करते हैं वो बाइट कोड बनाता है, और ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बड़े आराम से रन कर जाएगा, सिर्फ उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या मिल जाना चाहिए, जेडीके मिल जाना चाहिए। तो इसी बाइट कोड की वजह से जो हमारा जावा होता है वो क्या कहलाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो वही है कि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स यू कैन राइट प्रोग्राम ऑन एनी मशीन एंड इट कैन रन ऑन एनी मशीन। किसी प्रोग्राम में लिखिए, सॉरी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखिए, कहीं भी रन कीजिए, जबकि सी और C++ के साथ ऐसी बात नहीं थी। अब आइए एक चीज वही जो मैंने आपको समझाया कि जब कंपाइल करते हैं हम जावा के प्रोग्राम को तो ये उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है। दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और यही बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी रन कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर जो है वो है सिक्योर। सिक्योरिटी जावा का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफी सिक्योर होते हैं इसके प्रोग्रामिंग वायरस का इन्फेक्शन या फिर जो है हैकर्स जो इसको जल्दी हैक नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये काफी सिक्योर होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में बात करें, अगर आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में बात करा जाए तो एक उसमें कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी टास्किंग।
आप जरूर पढ़े होंगे मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फीचर जिस फीचर का यूज करके वो एक से ज्यादा वर्क को एक ही बार में परफॉर्म कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में अगर आपका कंसेप्ट मल्टीटास्किंग है, तो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में वही चीज जो है वो क्या बन जाता है, मल्टी थ्रेडिंग बन जाता है। ध्यान दीजिए होता क्या है, अभी तक आपने सी सी प्लस प्लस में जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो प्रोग्राम किसी एक टास्क को ही लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जावा में आप एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रोग्राम जो है वो टास्क वन भी परफॉर्म कर रहा है, टास्क टू भी परफॉर्म कर रहा है, टास्क थ्री भी परफॉर्म कर रहा है, और टास्क एन भी परफॉर्म कर रहा है, एक ही प्रोग्राम। तो यही कंसेप्ट जो है वो क्या कहलाता है, मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। तो जावा मल्टी थ्रेडिंग फीचर मेक्स इट पॉसिबल टू राइट प्रोग्राम दैट कैन डू मेनी टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एट द सेम टाइम। ठीक है, ये सबसे बड़ा फीचर होता है जावा का। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर न्यूट्रल, वही चीज है मैंने बताया कि जावा का जो प्रोग्राम है जब आप इसको क्या करते हैं कंपाइल करते हैं तो वो बनता है क्या, बाइट कोड बनता है, और ये बाइट कोड कहीं भी रन कर जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इसका ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है। मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कोडिंग इसकी बिल्कुल सेम तरीके से लिखी जाएगी। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ, जो जावा का प्रोग्राम होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। ठीक है, यानी कि जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे उसका एक्सटेंशन लास्ट में क्या होगा, डॉट जावा होगा ही होगा। और जब ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है डॉट क्लास, जो कम्प्लीटली इससे डिफरेंट होता है। और ये डॉट क्लास जो है वो इंटरनली आपका कंपाइलर बनाता है जावा का। और इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे कोडिंग की गई है, ये सिर्फ जावा का कंपाइलर ही जानता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर आपने प्रोग्राम का नाम दिया है राम डॉट जावा, और जब आप इसको आप कंपाइल करेंगे तो वो एक और एडिशनल फाइल बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, राम डॉट क्लास। और इसी डॉट क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसके जरिए जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेके जाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो ये है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जावा के, बहुत ही क्लैरिटी के साथ बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।